अब ना सवाल पूछा जा दूं बता सको। अरे उठ के चले यार, चले के नहीं हट रखे शिव जी, शिव जी आप आराम दूर से जूम कर दे सकते हो। रहूंगा यार मैं। अच्छा रविंद्र सर, आज प्रदर्शन था, क्या मांगती और किस तरह का आपका प्रदर्शन था यार? काफी समय से और राज्य की सरकार से हम काफी समय से नीचे रखो शिवा यार, पीछे शिवजी नीचे रखो। अब राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेजेज में ये जो अनैतिक ढंग से लूट मार मचा रखी है, मेरी आईडी दिखाओ, साधनों के नाम पर आपने जो लूट मार मचा रखी है पिछले 2 सालों से, परीक्षा शुल्क के नाम पे जो परीक्षाएं हुई नहीं, तो विद्यार्थी शुल्क किस चीज की दे? हमने इसको लेके पूरे प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन दिए, कई बार सरकार को भी चिताया, पर मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार गहरी नींद में सो रही है और उसके लिए युवा शक्ति को आज सड़कों पे उतरना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर गिनती के सिनों ये परीक्षा शुल्क और ये जो अनैतिक ढंग से लूट मार है, ये इन्होंने रिफंड या रीएडजस्ट नहीं किया तो सरकार और प्रशासन तैयार रहे, गिनती के दिनों में पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान के युवा सड़कों पे होंगे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की रहेगी। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कई बार पहले भी चेताया, हमने जब नैतिक ढंग से हमारे संविधान के अंतर्गत हमने जब हमारा विरोध दर्ज करवाया तो मेरे साथ में कई सारे विद्यार्थियों को निलंबित किया। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप 100 बार निलंबित करो, 100 मुकदमे करो, 100 बार जेल भेजो, ना रविंद्र तुमसे रुका है और ना रुकेगा। एक रविंद्र को रोकने चलोगे, 1000 रविंद्र पीछे खड़े होंगे, किस किस को रोकोगे? तो मेरा निवेदन है, मेरा गला भी कुछ रह चुका है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से, प्रदेश की सरकार से, राजस्थान शासन से, प्रशासन से, कि आप समय रहते फैसला लें, वरना इन सब छात्रों को उग्र होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और राजस्थान पूरा देखेगा छात्रों की आवाज़ को बुलंद होते। जय हिंद, जय भारत। सर मेरी बात छात्रों की आवाज़ को सुनेगा, मगर एक कोरोना की लहर खत्म नहीं हुई है और अभी आप लोग सभी लोग इकट्ठे हुए, इसको लेकर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है? इस समय में विद्यार्थियों के साथ में जो अनैतिक ढंग से जो लूट हो रही है, कोई उसकी बात क्यों नहीं उठा? क्यों प्रशासन समझ नहीं रहा है ये नौबत क्यों आई है? ये आपको जानना चाहिए कि कई बार हर एक क्षेत्र में, हर एक उपखंड पर, हर एक जिला मुख्यालय पर जब ज्ञापन दिया गया तो राज्य सरकार ये गहरी नींद में सो रही है और ये चाहती है कि युवा तिलमिलाए, वो सड़कों पे आए, तो लो हमने ये भी मुरीद पूरी कर ली। अगर समय रहते, अगर आप नहीं चेते, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमें जयपुर की ओर कूच करना पड़ेगा और पूरा राजस्थान एक साथ कूच करेगा। सरकार तैयार है, नहीं इसमें जिम्मेदारी बनती तो है नहीं आपकी? आप मैं बताना चाहूँगा, कोरोना छात्र हित की जहाँ जहाँ बात आएगी, रविंद्र हमेशा वहाँ पे खड़ा मिलेगा एक साथ मजबूती से। जय हिंद, जय भारत। ओके सर, हमें सीख गया था बड़ा। Yeah, I think that's